कोरोना वायरस का कहर दिल्ली में इस कदर बढ़ा है कि आंकड़ा 80,000 के पार हो गया है। तो ताजा आंकड़े दिल्ली के लिहाज से क्या हैं वो आपको दिखाएंगे विस्तार से, लेकिन एक नजर डालते हैं सुपर बुलेटिन पर। मन की बात में चीन के साथ सीमा विवाद पर बोले पीएम मोदी, लद्दाख की तरफ आंख उठाने वालों को मिला करारा जवाब, भारत दोस्ती निभाना जानता है, जवाब देना भी। राहुल गांधी के सरेंडर मोदी वाले ट्वीट पर अमित शाह का पलटवार, कहा चर्चा करनी है तो संसद में आइए, 1962 से आज तक दो दो हाथ हो जाएं। राजीव गांधी फाउंडेशन को लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर हमला बोला, आरोप लगाया कि सोनिया गांधी ने अपने बच्चों के लिए देश को लूटने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। लद्दाख में सेना के दो जवानों की जान चली गई, लद्दाख की श्योक नदी में डूबने से हुआ हादसा। अंडमान और निकोबार द्वीप पर भूकंप के झटके महसूस किए गए, इसकी तीव्रता 4.1 रही। यूपी के अलीगढ़ में टिड्डियों ने हमला कर दिया है, जिसके बाद गांव वालों ने बाइक का हॉर्न और थाली बजाकर टिड्डियों को भगाया। गृह मंत्री अमित शाह बोले, सिसोदिया के बयान से लोगों में डर पैदा हुआ, 31 जुलाई तक नहीं होंगे 5.5 लाख केस। देश में कोरोना के रिकॉर्ड 19,906 नए केस, शनिवार को 2,31,000 से ज्यादा टेस्ट हुए। देश में कुल संक्रमितों की संख्या 5,28,859, इनमें 2,03,051 एक्टिव केस। देश में अब तक 3,09,713 मरीज हो चुके हैं ठीक, संक्रमण से अब तक 16,095 मौतें। महाराष्ट्र में 1,59,000 से ज्यादा लोग कोरोना के शिकार, तमिलनाडु में 78,000 से ज्यादा लोग कोरोना से हुए संक्रमित, 44,000 से ज्यादा मरीज हो चुके हैं ठीक, राज्य में मौत का आंकड़ा 1,000 के पार। गुजरात में संक्रमितों का आंकड़ा 30,000 के पार, इनमें 6,500 एक्टिव केस। यूपी में कोरोना से संक्रमितों का आंकड़ा 21,500 के पार, इनमें 6,685 एक्टिव केस। दिल्ली में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी जारी, संक्रमितों की संख्या 80,000 के पार। हरियाणा में कोरोना के 94 नए केस, संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 13,521। गुरुग्राम में कोरोना 54 नए मामले सामने आए हैं, संक्रमितों का आंकड़ा 5,124। दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1 करोड़ के पार, दुनिया भर में 5,00,000 से ज्यादा लोगों की गई जान। दुनिया में 54,64,000 मरीज हो चुके हैं ठीक, 57,000 से ज्यादा लोगों की हालत गंभीर। अमेरिका में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,28,000 के पार, करीब 26,00,000 लोग संक्रमित। ब्राजील में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के आंकड़े, 13,15,000 से ज्यादा संक्रमित। रशिया में 6,27,000 से ज्यादा लोग संक्रमण के शिकार। चीन में कोरोना के 17 नए मामले सामने आए हैं, दक्षिण कोरिया में 62 नए मामलों की पुष्टि हुई, वहीं न्यूजीलैंड में दर्ज हुए कोरोना के 4 नए मामले। पाकिस्तान में कोरोना से 2,02,000 से ज्यादा लोग हो चुके हैं संक्रमित, 4,000 से ज्यादा की गई जान, प्रभावित देशों की लिस्ट में 12वें स्थान पर पाकिस्तान। नेपाल में संक्रमितों की संख्या 12,000 से ज्यादा हो गई है, 28 लोगों की गई जान।